सोलन में कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ता ही जा रहा है, जो अस्पताल सोलन शिमला और सिरमौर के रोगियों को अपनी सेवाएं दे रहा था, वहां की स्वास्थ्य सेवाएं बोनी साबित होने लगी हैं, क्योंकि कोविड रोगियों की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। चिकित्सकों की सीमित संख्या है, उनमें से भी कई खुद संक्रमण का शिकार हो चुके हैं, इसलिए अब जिला प्रशासन कोरोना को नियंत्रण करने के लिए सख्ती करने जा रहा है। ये जानकारी एसडीएम सोलन अजय यादव ने मीडिया को दी। एसडीएम सोलन अजय यादव ने बताया कि कोरोना संक्रमण पर केवल जागरूकता और सतर्कता से ही नियंत्रण किया जा सकता है, लेकिन जिला सोलनवासी खास तौर में युवा वर्ग कोरोना नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से संक्रमण जिला में तेजी से फैल रहा है। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन अब इन नियमों को लेकर सख्ती करने जा रहा है। अब सोलन शहर में जिला प्रशासन की खास तौर पर नजर रहेगी और जो भी व्यक्ति मास्क नहीं लगाता है या जिस व्यक्ति के मास्क ठीक से नहीं लगा होगा, उसका चालान किया जाएगा, उसे किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। हमने भी ऑब्जर्व किया कि अभी भी कई लोग ऐसे हैं, खास करके युवा वर्ग, जो युवा वर्ग के लोग हैं वो शाम के टाइम पे मॉल रोड पे टहलते रहते हैं और वो अति आत्मविश्वास में रहते हैं कि उनको कोरोना नहीं हो सकता। हाँ, वो बात काफी हद तक सही भी है कि युवाओं की इम्यूनिटी सिस्टम अच्छी होती है तो होने के चांसेस कम है, लेकिन वो कोविड वायरस अपने घर में ले जाएंगे, अपने माता पिता, बुजुर्ग, बच्चों को संक्रमित कर सकते हैं। तो अब ऐसे में हम लोग पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर एग्रेसिव स्तर पे चालानिंग करेंगे। अब किसी की कोई सुनवाई नहीं होगी, बिना मास्क के और गलत मास्क पहने जो भी नजर आएगा उसकी चालानिंग की जाएगी।